ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का आज 23वां स्थापना दिवस है और साथ ही नया साल भी। इस अवसर पर बंगाल के विभिन्न इलाकों में जगह जगह पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत गिरीश पार्क में भी जोड़ासांको की विधायिका स्मिता बख्शी के नेतृत्व में स्थापना दिवस व नए साल के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वह इस कार्यक्रम के दौरान लोगों में कंबल का भी वितरण किया गया, जहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। वह इस कार्यक्रम की शुरुआत सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने TMC का झंडा फहरा कर किया। इस मौके पर विधायिका स्मिता बख्शी ने कहा कि हर साल तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर इसी तरह के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान उन्होंने आगामी रविवार को रक्तदान शिविर के आयोजन किए जाने की भी जानकारी दी। प्रत्येक बच्चों की तृणमूल कांग्रेस प्रतिष्ठा दिवस কতগুলো কম্বল বিতরণ করা হলো আজ? 25 নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় 2500 কম্বল বিতরণ হচ্ছে। तो वहीं मौके पर मौजूद पूर्व विधायक संजय बख्शी ने बताया कि सिर्फ कंबल वितरण ही नहीं बल्कि स्मिता बख्शी के नेतृत्व में लोगों के हित में जगह जगह विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। सही संगे हमारे दौले आज के 24वां प्रतिष्ठा दिवस साल पहला जानुरी দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলার জনগণের অধিনায়িকা বর্তমানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন থেকে আমাদের সকলকে তৃণমূল কংগ্রেস করতে গেলেই এমনিতে তো সারা বছর ভোটের রাজনীতি নয়, মানুষের দুঃখ দুর্দশায় মানুষের পাশে থাকার মানসিকতা তৈরি করে তবেই তৃণমূল কংগ্রেস করতে পারবে। নেত্রীর এই বাণী সর্বোপরি এই প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে 1-7 তারিখ কোনো সময় হয়ে যায় 15 তারিখ পর্যন্ত সারা বাংলায় বিভিন্ন সমাজসেবামূলক এই কর্মসূচি আমাদের পালন করতে হয়। কোনো জায়গায় কম্বল বিতরণ, কোনো জায়গায় বস্ত্র বিতরণ, কোনো জায়গায় রক্তদান শিবির, এই বিভিন্নভাবে আমরা এই দিনগুলোকে পালন করতে হবে। আজকে জোড়াসাঁও কেন্দ্রের বিধায়ক স্মিতা বক্সির উদ্যোগে গিরিশ পার্কে কয়েক হাজার কম্বল বিতরণের অনুষ্ঠানে দিয়ে জোড়াসাঁও কেন্দ্রের এই এরকম মানুষের পাশে থাকার মানসিকতা শুরু হবে এবং 3 তারিখে এখানেই আবার রক্তদান শিবির আছে বলরাম দেশটিতে এবং সর্বোপরি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে এরপর থেকে আজকেই রক্তদান শিবির থেকে শুরু করে কোথাও কম্বল বিতরণ, কোথাও বস্ত্র বিতরণ, কোথাও মানুষের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ শিশুদের মধ্যে, কোনো হাসপাতালে বিতরণ রোগীদের মধ্যে, এসব অনুষ্ঠান হবে। তো আমরা রাজনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে এই অনুষ্ঠানকে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করি, কেন আমরা বিশ্বাস করি মানুষের পাশে থাকলে মানুষও আমাদের পাশে থাকে, সেটা নির্বাচনই হোক আর আমাদের ভালো সময় খারাপ সময় সবসময় মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। तो वहीं TMC हॉकर नेता सचिन त्रिपाठी ने भी इस कार्यक्रम व ममता सरकार द्वारा की जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि CM ममता बनर्जी द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा सके उसकी कोशिश की जा रही है। जो प्रतिष्ठा दिवस मनाया जा रहा है ये हमारे सरकार के तरफ से उपलब्धि है, जो उपलब्धि हम लोग दर्शा रहे हैं। आज आप लोग देखते आ रहे हैं विभिन्न अंचलों में, प्रत्येक वार्ड में, हर एक विधानसभा में द्वारे सरकार किया जा रहा है, लोगों के हित के लिए कार्य किया जा रहा है। आज उसी का परिणाम स्वरूप है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल के शासनकाल में
सभी लोग अपने घर में शांतिपूर्वक रह पा रहे हैं। आज जिस तरह से भाजपा सरकार है जो सांप्रदायिक करना चाहती है पश्चिम बंगाल को, लेकिन हमारे जो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी के द्वारा लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित किया जा सके उसके लिए कोशिश की जा रही है। हमारी विधायिका हर समय अपने जोड़ा सा कुछ क्षेत्र में लोगों के हित के लिए हमारी विधायिका स्मिता बख्शी खड़ी रहती है और लोगों के पास में खड़ी रहती है कोई भी काम हो। आज का जैसे कार्यक्रम हमारी विधायिका स्मिता बख्शी ने कंबल वितरण का कार्यक्रम किया है, ये हजारों लोगों को कंबल दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले उन्होंने इसी गिरीश पार्क मैदान में द्वारे सरकार का भी कैंप लगाया था, जिनको सभी तरह के जितने भी सरकार की उपलब्धियाँ हैं सभी को दी जा रही है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो यहाँ की आम जनता है यहाँ पे सही और अच्छे तरीके से रह पा रही है। इस मौके पर विधायिका स्मिता बख्शी, पूर्व विधायक संजय बख्शी, तृणमूल युवा महासचिव सौम्य बख्शी, तृणमूल हॉकर नेता सचिन त्रिपाठी, तपन रॉय, अशोक ओझा, महेश मीमानी, राजू तिवारी, सुमन दत्त, मनोज सिंह, दारा सिंह, दिलीप सोनकर, अनिला खान समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे।